ఫోకస్. ఏఐసిసి కార్యాలయంలో రాహుల్ గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఆ లైవ్ ఇప్పుడు చూద్దాం. कांग्रेस ने ऐसा काम कभी नहीं किया. किसी टेररिस्ट को वहां पाकिस्तान नहीं भेजा कांग्रेस पार्टी ने, कभी नहीं भेजा और ना कभी भेजेंगे. आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग टू इन रिस्पॉन्स टू दैट. सी, टेररिज्म इज अ ह्यूज इशू एंड फ्रेंकली इट हैज टू बी डेल्ट विद वेरी वेरी स्टर्नली एंड वी अग्री ऑन दैट. वी अग्री दैट टेररिज्म हैज टू बी डेल्ट विद स्टर्नली. इनफैक्ट we will deal with it more sternly than Mr. Narendra Modi because we deal with it with a strategy as opposed to just with events. However, there are other huge issues in the country. There's the issue of joblessness. There's the issue of farmers' debt. There's the issue of a collapse of agriculture. Let's have a discussion on those as well. Sir, I'll come to you. You have to wait for your turn. There is a person who's already asking. And I'll come to you. जहां बीजेपी के मामले हैं, चुनाव आयोग इज एब्सोल्युटली ऑन द स्ट्रेट लाइन. जहां ऑपोजिशन के मामले हैं, चुनाव आयोग इज कंप्लीटली बायस्ड. सो इट इज प्रिटी क्लियर. देखिए, जो इंस्टीट्यूशन की मैंने बात की, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस का काम करने का तरीका इंस्टीट्यूशन को पकड़कर प्रेशर करना, वो सब जगह दिख रहा है. वो सुप्रीम कोर्ट, ईसी, प्लानिंग कमीशन, आरबीआई, सब जगह दिख रहा है. वो उनकी अप्रोच है. तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इलेक्शन कमीशन उस प्रेशर से इफेक्ट नहीं होगा. हम जानते हैं, मगर हम यह भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो भी कर दे, हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है. और हिंदुस्तान ने जनता ने मन बना लिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता. बट फ्रेंकली, इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है, दे हैव टू कमिट टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे हैव टू कैरी इट आउट. बिकॉज फ्रेंकली, ऑल दिस इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दैट इज बींग टेकन प्लेस and all the negative effects of it will have consequences. They will have consequences in the future. We are not going to allow the Indian institutions to be disturbed, controlled, crushed. And anybody who colludes, anybody who falls to this pressure is committing a crime. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, मगर मैं स्टेट वाइज नहीं जाऊंगा उस डिटेल में. मैं ऐसी सिचुएशन में जाना मतलब ठीक नहीं होगा, बट मैं आपसे कहूंगा कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और हम आसानी से बीजेपी को हराएंगे.